Hey readers, welcome back to my channel, So Genius. हम डिस्कस कर रहे थे Ind AS 36 के इलस्ट्रेशन, जिसमें अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12. तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं. From the following details of an asset, compute. स्टार्टिंग में ही इन्होंने बता दिया कि हमें क्या कंप्यूटेशन करना है. फर्स्ट इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो बताना है. सेकेंड करंट ईयर डेप्रिसिएशन आफ्टर द ईयर एंड, उसके बाद जब इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा तब हमारा जो कैरिंग अमाउंट रहता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट. उस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा वो भी अपन को कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, हमने इसको कितने में खरीदा था, 56 लाख में, 56 लाख. यूजफुल लाइफ इसका था 10 ईयर्स. सेल्वेज वैल्यू निल है, कोई चक्कर ही नहीं है सेल्वेज वैल्यू का. इसका मतलब जब भी डेप कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से, क्योंकि इसमें सेल्वेज वैल्यू तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है. आगे देखते हैं, ये अब की बात बता रहे हैं. कैरिंग वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जिस साल की बात कर रहे हैं उस दिन कैरिंग वैल्यू इतना है और रिमेनिंग लाइफ इतना है, यानी कि ये 7 साल बाद की बात कर रहे होंगे. ठीक है, ये 7 साल बाद की बात कर रहे हैं, जो कि 27.3 लाख हमारी वैल्यू बची है मशीन का. और अब जो लाइफ बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल बचा है. और अगर हम बात करें इसके रिकवरेबल अमाउंट की तो वो सिर्फ और सिर्फ 12 लाख. क्लियरली दिख रहा है कि इसका कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है. इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है. लास्ट ये एक नई चीज आई है क्वेश्चन में, इसको मार्क करना. अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर अपन ने एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन करा था, यानी कि एक रिवैल्यूएशन सरप्लस बनाया होगा अपन ने. वो कितने का बनाया है, 14 लाख. वो कितने का बनाया है, 14 लाख. अब इसका अपन को क्या करना है वो मैं आपको सॉल्यूशन के टाइम बताऊंगी. ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी एडजस्टमेंट है, बहुत आसानी से आप लोग सीख जाओगे. ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, बस आपको मैंने ये बता दिया, मार्क कर लेना क्योंकि एक नई चीज है. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा. बाकी चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 12 को भी आसान बनाते हैं. हाँ जी, तो सबसे पहले लिखिए Ind AS 36 का इलस्ट्रेशन नंबर 12 का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, जिसके क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना और उसका ट्रीटमेंट. तो पहले अपन वही करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस. इम्पेयरमेंट लॉस का आपको फॉर्मूला पता है, जो भी उस साल का कैरिंग अमाउंट है और जो उससे रिकवरेबल होने वाला है वो माइनस कर दो. तो कैरिंग अमाउंट है हमारा, कॉस्ट पे मत पहुंच जाना, वो कंफ्यूजन के लिए दे रखा है. कैरिंग अमाउंट है कितना, 27.3 लाख, और इससे रिकवर कितने होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 12 लाख. 27.3 लाख बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, लेकिन इसका रिकवरेबल सिर्फ और सिर्फ 12 लाख है. दैट मीन्स 15.3 लाख ये हो गया हमारा इम्पेयरमेंट लॉस. ठीक है, बस हो गया, सिंपल इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट हो गया. अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये ध्यान से देखना, ट्रीटमेंट कैसे होगा इम्पेयरमेंट लॉस का. देखो लॉस तो है 15.3 लाख का, वैसे हम इम्पेयरमेंट लॉस को क्या करते हैं, डायरेक्ट P&L अकाउंट में डालते हैं, यानी कि पहली एंट्री हम ये बनाते हैं. पहली एंट्री तो वही बनेगी जो बनाते हैं, पहली एंट्री क्या बनाते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट. इम्पेयरमेंट लॉस हो गया. ठीक है, और हमारा एसेट कम हो जाता है तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, कितने का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, 15.3. तो इतने से ही हमारा एसेट कम हो जाएगा. तो ये वाला एंट्री तो सेम रहेगा जैसे सारे क्वेश्चन में रहता है, बट बात ये है ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है 15.3 लाख, ये एडजस्ट कहाँ से होगा, ये एडजस्ट कहाँ से होगा. तो वैसे तो ये एडजस्ट कहाँ से होता है, एक सेकंड पेन क्यों नहीं चल रहा, चल गया. हाँ जी, तो वैसे तो ये एडजस्ट कहाँ से होता है, P&L अकाउंट से. वैसे एडजस्ट कहाँ से होता है, P&L अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस. लेकिन लास्ट ईयर हमने रिवैल्यूएशन करा था तो उस रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ पड़ा होगा. ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ पड़ा होगा. ठीक है, जो कि हम OCI अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, उसमें कितना पड़ा है उसको भी खाली कर दो और फिर आप इम्पेयरमेंट लॉस को एडजस्ट कर. अब ध्यान से देखना, इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ है, 15.3 लाख.
लेकिन हमारे रिवेल्यूएशन सरप्लस में 14 लाख पड़ा होगा, रिवेल्यूएशन सरप्लस में 14 लाख पड़ा होगा, तो पूरा का पूरा 15.3 लाख हम P&L अकाउंट में नहीं डालेंगे, पहले हम 14 लाख यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद जो बचा दैट इज 1.3 लाख वो हम P&L अकाउंट में डाल देंगे। ये कहानी थी जो मैंने आपको मार्क कराई थी ना ग्रीन पेन से, नई बात वो ये कहानी थी कि रिवेल्यूशन सरप्लस क्यों गिवन था क्वेश्चन में, ताकि हम अपना जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो पहले एडजस्ट कर लें रिवेल्यूशन सरप्लस OCI से, ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। उससे हमने कितना कर लिया 14 लाख, तो बाकी जितना भी बचा वो आप P&L अकाउंट में डाल दो, ठीक है। फटाफट ये दोनों एंट्री मार दो, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। पहली एंट्री तो वही है इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया और एडजस्ट एसेट कम हो गई, और दूसरा होता है कि हम इम्पेयरमेंट लॉस का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो ये है इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट। समझ में आ गया, ओके। अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पर जाते हैं, क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो इसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले अपन को कैलकुलेट करना पड़ता है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब की बार कैरिंग अमाउंट कितना दिख रहा है, तो देखो पहले कैरिंग अमाउंट कितना दिख रहा था, पहले दिख रहा था 27.3 लाख, यही तो दिख रहा था बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन 15.3 लाख का हमारा हो गया इंपेयरमेंट लॉस। अभी हमने एंट्री भी मारी थी इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी कि एसेट हमारा कितने से कम हो गया 15.3 से, तो 27.3 माइनस 15.3 एसेट कितने से कितना हो गया हमारा 12 लाख। तो अब एसेट का वैल्यू हो गया हमारा 12 लाख, ठीक है, तो अभी कितना दिख रहा होगा ये 12 लाख, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 12 लाख। अब हमारे अकाउंटेंट को ये भी बता दो कि उसको डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा यही है डेप्रिसिएशन ऑन रिवाइज कैरिंग अमाउंट। डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर लगता है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना है 12 लाख, ठीक है। क्या कोई सेल्वेज वैल्यू था, सेल्वेज वैल्यू निल था, तो डिवाइड कर देंगे जो भी अब साल बचे हैं, तो रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है 3 ईयर्स, यानी कि 12 लाख का कॉस्ट बचा है मशीन का, 3 साल बचे हैं, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा 4 लाख पर ईयर, ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। समझ गया, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया जो कि कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट से, फिर हमने उसका ट्रीटमेंट दे दिया। वैसे तो ट्रीटमेंट हमेशा P&L अकाउंट में जाता है, लेकिन अगर रिवेल्यूशन सरप्लस दे रखा हो तो पहले आपको रिवेल्यूशन सरप्लस OCI से एडजस्ट करना है, उसके बाद जो बचा है वो आपको बैलेंसिंग फिगर आपको डालना है P&L अकाउंट में। सेकंड उन्होंने बोला था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, तो डेप्रिसिएशन के लिए पहले हमें निकालना होता है रिवाइज कैरिंग अमाउंट, जो कि सिंपल है, जो भी कैरिंग अमाउंट था उसको उसमें आप इंपेयरमेंट लॉस को हटा दो, यानी कि ये बचा आपका वैल्यू, उसी पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान था, सिर्फ ये वाली नई बात थी, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आसान आपको लगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।